हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक डेली क्लॉक। फ्रेंड्स, अदाकारा शहनाज गिल को हाल ही में फूड इन्फेक्शन के बायस मुंबई के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। रिया कपूर ने इनकी तीमारदारी की। अदाकारा शहनाज गिल ने अपनी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद बॉलीवुड में अपने पर फैलाना शुरू कर दिए। इस साल के शुरू में सलमान खान के साथ किसी का भाई किसी की जान से अपनी हिंदी डेब्यू के बाद इसने करण बुलानी के साथ 6 कॉमेडी फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग के लिए हाथ मिलाया, जिसमें बोमी, डोली सिंह, कशा कपिला और शबानी बेदी ने भी अदाकारी की है। जब वो फिल्म की कामयाबी से लुत्फानंदोज हो रही थी, वो बीमार हो गई हैं और इन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। इनकी फिल्म की प्रोड्यूसर रिया कपूर ने शहनाज गिल की अस्पताल में तीमारदारी की है। शहनाज गिल को अपनी लड़कियों के साथ अपनी फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग की तस्वीर करते हुए देखा गया है, जो 6 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज होगी। उन्होंने बताया की वो बाहर गयी थी और सैंडविच खाया था, जिस से उनका पेट खराब हो गया है। इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है कि इन्हें मुंबई के अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। शहनाज गिल ने अपने इंस्टाग्राम पर बताया है, देखो वक्त सबका आता है सबका जाता है, मेरे साथ भी वही हुआ है, फिर आएगा थोड़े दिन बाद, दोस्तों अब मैं ठीक। तमाम शहनाज गिल अपने फैन के साथ रابطे में है और उन्होंने हॉस्पिटल से अपने फैन के साथ लाइव बातचीत की है और अपनी सेहत से मुतल्लिक अपने फैंस को अपडेट किया है। आइए सुनते हैं शहनाज गिल अपने फैंस को क्या बता रही है। इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अब हॉस्पिटल से लाइव आएगा तो यही बोलूंगी। गाइस, आई एम फाइन नाउ। मैं ठीक नहीं थी, मुझे इन्फेक्शन हो गया था, मैंने ना सैंडविच खा लिया था बाहर का। बट मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि प्लीज आजकल बाहर का खाना मत खाओ, इन्फेक्शन हो रही है, फूड इन्फेक्शन जो कि मुझे हुई। यू आर क्यूट, आई एम नॉट क्यूट, मैंने फिल्टर लगाया है। तो थैंक यू फॉर कमिंग, आ गई है गाइस, 3-4 दिन हो गए हैं, सो देख के आओ क्या हुआ आपको। मुझे पता था अगर मैं लाइव आ गई मुझे सिंपथी मिलेगी, ये मुझे नहीं चाहिए। ओ अनिल कपूर सर का है, नमस्ते शहनाज जी, थैंक यू फॉर कमिंग। बलजीत माड़ा जा व्यू तो दिखा अपना। ओह गॉड, गाइस आई एम एंजॉयिंग द बेस्ट मोमेंट। ओ थोड़ा ये ट्रिप लुक को भी दिखा दे, लोगों को लगे तो सही सच्ची बीमार है, नहीं तो लोगों को लगे ना नाटक कर रही है। तो जाके फिल्म देखा हो, बस मेरा तो यही कहना है। यू हैव वर्कड वेरी हार्ड। हाँ जी सर, काम तो हमने, आपने भी बहुत मेहनत की है, हमने भी की है, अब बस मूवी देखा है। लोग धीरे धीरे करके मैं ग्रो कर रही हूँ। अच्छा अच्छा कुछ लिखो, मैं आपको रिप्लाई करूँ। मच लव फ्रॉम कैनेडा, लव यू। वो तो मैंने देख ही लिया था कैनेडा कि तुम लोग कितना प्यार करते हो। वैसे नॉट बैड, हाँ बिना बताए आए भी फायदा है, मतलब 50K लोग जुड़ गए हमारे साथ। हाँ जी देखे आपने, देखे मैंने तो आज ही फोन पकड़ा है, मैं 3-4 दिन से फोन ही नहीं पकड़ा था। व्हेन यू कम बैक ब्यास, ब्यास वालों मूवी देख के आओ पहले फिर बताना मेरा आना बनता है या नहीं। मैम यू अचीव ऑल द सक्सेस। अच्छा मैम, मैं लिखा है मैंने मैम पढ़ा। सब देख के आओ मूवी, लव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया लग गई मूवी? हाँ लग गई। अच्छा ऑस्ट्रेलिया में लग गई। अच्छा अगर मैं थिएटर विजिट करती हूँ चंडीगढ़ तो बताओ, आप बताओ थिएटर विजिट करें हम चंडीगढ़। गाइस देखो कहाँ मैं डिजाइनर्स के कपड़े डाल रही थी, आज मैं हॉस्पिटल के कपड़े।
ये होता है देखो, टाइम सबका आता है, सबका जाता है, मेरे साथ भी वही है, फिर आएगा थोड़े दिन बाद। यू आर लाइक मुमताज, द नेक्स्ट मुमताज। मुमताज अच्छा हीरोइन जो थी हमारी, मुमताज, मुमताज कौन है यार? मैं रिक्वेस्ट भेजू नील सर को? भेजू हाँ, वेरीफाइड है। ऐड ऐड कैसे करते, क्या आता है? अनफॉलो गोल लाइफ। हेलो, आप किसे हो? हाउ आर यू? या मैं तो, हम लाइव जाएंगे नहीं तो खेलने में अजीब नहीं लगता। खेलने में पता क्या होता है, बंदा चिंती ले रहा होता है। मैं तो कभी प्राइवेसी अपनी दिखाती नहीं, मैंने कब आए तो दिखाए भाई, प्रोड्यूसर मिलने आए, छोटी मोटी बात गए। ये मैं सपना तो नहीं देख रही थी कहीं, ठीक हूँ ना मैं भाई? ऐसे आप ऐसे चले गए, ये तो गलत बात है। डायरी तो भूल गए थे नहीं, डायरी भूल गए।